नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि, हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी, गौरवपूर्ण रूप से ले जाएगी। अमृत काल का लक्ष्य है भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल ना दे। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम किसी से भी कम न हो। दफ्तरों में फाइलों का ढेर और राशन की दुकानों पर लाइन दोनों ही आम लोगों का जीवन मुश्किल बना रही थी। किसी फाइल को ट्रेस करना टेढ़ी खीर थी। कामकाज के तौर तरीके पुराने ढर्रे पर ही थे। मई 2014 में केंद्र में नई सरकार का गठन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रशासनिक कामकाज में बदलाव लाने की पहल की। नई योजनाएं सिर्फ बनाई ही नहीं गई बल्कि ये भी सुनिश्चित किया गया कि इनका फायदा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। 28 अगस्त 2014 में शुरू हुई जनधन योजना एक ऐसी पहल थी जो देखते देखते दुनिया में वित्तीय समायोजन की सबसे बड़ी योजना बन बैठी। किसानों को काफी फायदा है, ना तो मंडी जाने की जरूरत है, ना पैसे की लेने की कोई समस्या है, पैसे सीधे बैंक अकाउंट में आते हैं। चुनौती ग्रामीण स्तर पर कई थी। गांव तक सरकार की पहुंच और सरकार तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए ई गवर्नेंस पर जोर दिया गया। हर एक पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के साथ लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव आ पहुंचे। अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित या कई ऐसी सहूलियतें लोगों को आसानी से मिलने लगी पहले जिनके लिए दफ्तरों के चक्कर काटना लोगों की नियति बन चुकी थी। सेवाओं को गांव तक पहुंचाने और योजनाओं के क्रियान्वयन में कॉमन सर्विस सेंटर ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। पासपोर्ट सेवा केंद्र कियोस्क की शुरुआत भी सेवा जनता के द्वार का ही एक हिस्सा है। देश में एक और बड़ी पहल को अंजाम दिया गया और ये है एक देश एक राशन कार्ड का क्रियान्वयन। इस योजना की बदौलत उन लोगों को भूखे नहीं सोना पड़ेगा जो रोजगार की तलाश में दूसरे शहर पलायन कर जाते हैं। एक देश एक राशन कार्ड योजना आधार से लिंक होने की वजह से अब लाभार्थी कोई भी व्यक्ति देश में कहीं अपना राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से ले सकता है। एक राष्ट्र एक कार्ड से ये फायदा है कि मैं जब गांव में हूं तो गांव में राशन ले लूंगा, यानी जहां भी रहूंगा अब उससे राशन मैं ले सकता। सेवाओं को समयबद्ध तरीके से आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए जैम यानी जन धन आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी की भी शुरुआत की गई। डीबीटी के जरिए लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचने लगा। वहीं दूसरी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रगति की बैठकों की कमान खुद संभाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। समय पर परियोजनाएं पूरी हों इसके लिए लगातार निगरानी की जाती रही। गति शक्ति एक ऐसी ही योजना है जो आधारभूत संरचना विकास को एक तय समय में पूरा करने में मददगार साबित होगी। सही मायनों में साल 2014 के बाद पारदर्शी एवं कुशल सुशासन वाली कार्य संस्कृति का आगाज हुआ जिसके तहत जन शिकायतों को सुना जाने लगा और उसके निवारण के लिए विशेष रूप से संरचना को विकसित किया गया। देश जब स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मना रहा है तब सरकार तकनीक का इस्तेमाल कर वंचितों गरीबों और शोषित वर्ग के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए जी जान से जुटी हुई है।
ये जो रिफॉर्म्स गवर्नेंस की लाने का प्रयास हुआ है, दीज आर नॉट मेनली गवर्नेंस रिफॉर्म्स, दीज आर सोशल रिफॉर्म्स विच आर एम टू चेंज द कल्चर ऑफ दिस नेशन एंड द पॉलिटी. हमारे यहाँ ग्रीवेंस सेल हुआ करता था, उन्होंने अपने वेबसाइट बनाए थे, तीन तीन साल वेबसाइट विजिट नहीं किया था ग्रीवेंस का. वी वर प्रॉम्प्ट, हर शुक्रवार को हम जायजा लेते थे कितना निवारण हुआ. 95 से 100% शिकायतों का निवारण शुरू हुआ. आज 33 लाख लोग इस उम्मीद से शिकायत कराते हैं कि हमें उसका जवाब मिलेगा, उसका डिस्पोजल मिलेगा. और मोदी जी ने जो अभियान किया है स्वच्छता का, मात्र 1 महीने में 3 लाख शिकायतों का निवारण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों देशवासियों के घरों में शौचालयों के निर्माण ने ऐतिहासिक इबारत लिखी. वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का लक्ष्य शहरों को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाना है. शौचालय बनने के बाद भारत सरकार ने जो 12,000 दिए थे वो हमें मिल गए. अब हमें दिन हो या रात हो बाहर शौचालय के लिए जाना नहीं पड़ता था. सरकार विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को देश के सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा रही है. स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो ESIC के तहत लाभार्थी आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं. केंद्र सरकार ने उड़ान योजना से आम आदमी को सस्ती हवाई यात्रा कराने के मकसद से छोटे और मझोले शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की पहल की है. सरकार की इस पहल से आम लोगों का हवाई यात्रा करने का सपना पूरा हुआ है. उड़ान स्कीम के अंडर जो गवर्नमेंट ने जो छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट डेवलप किए हैं, इससे टूरिज्म को बड़ा फायदा हुआ है. इस कनेक्टिविटी से छोटे शहरों का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है. स्मार्ट कक्षाओं से क्लास का संचालन पूरे देश में किया जा रहा है. इससे स्कूली छात्र व छात्राएं खासा लाभान्वित हो रहे हैं. क्लास के आने के बाद हम बहुत कुछ सीख गए हैं और सर भी हमें इंटरनेट से बहुत कुछ सिखाते हैं. मौजूदा केंद्र सरकार का मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म. इस मंत्र के प्रति बीते 7 सालों में न सिर्फ प्रतिबद्धता दिखी है, बल्कि गांव में बुजुर्गों को सही समय पर मिलती पेंशन या फिर किसान समृद्धि योजना से लाभान्वित किसानों के खिले चेहरे सुशासन के खुद गवाह हैं. यही है नया भारत, जहां सुशासन से विकास की गाथा रची जा रही है.